नमस्कार, न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। मशरूम के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन मशरूम से कितना प्रोडक्ट बनता है ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये मशरूम से बना हुआ तमाम प्रोडक्ट है, चाहे वो ढोकला हो, ये ढोकला आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो गुलाब जामुन हो। गुलाब जामुन आपने खाया होगा, लेकिन आपने जो है मशरूम के जो गुलाब जामुन है वो आपने नहीं खाई होगी। लेकिन हम तमाम यहाँ पर जो स्टॉल है वो चीज़ आप देख पा रहे होंगे, तमाम चीज़ें जो है वो मशरूम से बनाए गए हैं। और जो मशरूम से बनाने वाली यहाँ पे है महिला है, उससे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम हुआ कुमारी नूतन। अच्छा, ये बताइए तमाम चीज़ मशरूम से ही बना हुआ है? जी, जी, क्या क्या बनाते हैं मशरूम से? जैसे ये हुआ ऑयस्टर मशरूम का गुलाब जामुन हुआ, ये ऑयस्टर मशरूम का भुजिया हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ऑयस्टर मशरूम का पाउडर हुआ, ये ऑयस्टर मशरूम का पकौड़ी हुआ, ये ऑयस्टर मशरूम का बड़ी हुआ, और ये ड्राई ऑयस्टर मशरूम हुआ, ये ऑयस्टर मशरूम हुआ, उसमें भी हेल्दी ऑयस्टर मशरूम हुआ, वो सफ़ेद ऑयस्टर मशरूम हुआ, वो पिंक ऑयस्टर मशरूम हुआ। अच्छा, ये तमाम मशरूम से बनाया हुआ है, कितना समय लग जाता है इस सब चीज़ को बनाने में आपको? अच्छा, मार्केट में तो आप लोग उताते होंगे इसको, मार्केट में बेच रहे हैं आप लोग? जी, मार्केट में बेचते हैं इसको। कैसे? जैसे ऑर्डर आता है वैसे बना के दे देती है। कितना ऑर्डर आ जाता है आप लोग अभी? शुरुआती दौर है। हाँ, शुरुआती दौर है अभी, लोग जान नहीं रहे। हाँ, जान नहीं रहा है मशरूम के बारे में बहुत लोग। मशरूम तो काफी फायदेमंद होती है। हाँ, फायदेमंद होती है। अच्छा, ये बताइए रेट क्या रखे हैं? मतलब ये ढोकला अगर कोई बेचा है देंगे तो कितना क्या प्राइस है? देखिए, ऑयस्टर मशरूम ऐसे भी बहुत कॉस्टली है, उससे बनी हुई चीज है तो इसका भी तो कॉस्ट उतना ही होना चाहिए सर। ठीक, कितना क्या रखे हैं? जैसे ऑयस्टर मशरूम का ढोकला है, इसका दाम रखे 50 रुपया सर। ये पैकेट 50 रुपया का पैकेट है। अच्छा, ये गुलाब जामुन हुआ तो इसका 15 रुपया हुआ, 15 रुपया पीस हुआ। ऑयस्टर मशरूम का भुजिया बना हुआ है, 10 रुपया पीस हुआ। जी, ये ऑयस्टर मशरूम का पाउडर है, ये 100% प्योर ऑयस्टर मशरूम का पाउडर है। क्या होता है इससे? एक्स्ट्रा है जो फैट होता है, उस लॉस होता है विटामिन, सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ये सुबह सुबह आप पी सकते हैं, बूस्टर के रूप में पी सकते हैं। और क्या? कैंसर जैसे बीमारियों से निजात मिलती है। ये क्या मतलब? ये मशरूम का पकौड़ी हुआ। अच्छा, ये पकौड़ी हो गया। जी, मतलब ये रेसिपी आप मतलब वही तेल में वगैरह सब में छानते हैं। और क्या है? ये मशरूम का बड़ी हो गया। अच्छा, ये बड़ी है तो मशरूम बड़ी तो आप अधिकतर जो लोग दाल के बड़ी खाते होंगे, लेकिन इसमें क्या फर्क क्या है इसमें? इसमें दाल का जो बड़ी बनाते हैं उसमें मशरूम का पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालते हैं आप लोग। और ये क्या है? ये जो है ड्राई ऑयस्टर मशरूम है। ड्राई है ये ना, सूखा है ये? जी। अच्छा, वो पैकेट में वो क्या है वो दे रखे हुए? ये ऑयस्टर ही मशरूम है, ताजा वो ताजा मशरूम हो गया। इसमें ऑयस्टर में ज्यादा हेल्दी है ये मशरूम। अच्छा, वो हेल्दी होता है। अच्छा, सेहत के लिए, सेहत के लिए सब मशरूम हेल्दी है, लेकिन ये जो है खाने में भी थोड़ा इसका वैरायटी अलग है। अच्छा, देखिए ये मशरूम का ये वैरायटी हुआ ऑयस्टर में। अच्छा, ये बताइए मैडम, चलिए ये तो हो गया, आपने बना दिया। माँ वैष्णो देवी महिला खाद्य सुरक्षा समूह से आप लोग आते हैं, और महिलाओं को क्या संदेश देंगे जो घर बैठी रहती है, वो भी कुछ करना चाहती है, वो भी इस तरह का जो उन लोग को हम काम देते हैं, वो लोग भी काम करती है घर बैठी है, तो उसको भी बताते हैं इसके बारे में, उसको जागरूक करते हैं। आप लोग भी महिला सबको काम? हाँ, देते हैं। काम देते हैं, मतलब कह सकते हैं कि घर बैठे आप लोग तैयार कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। जो महिला घर बैठी हुई है वो काम करना चाहती है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगी? वो उसके लिए जो हम ग्रुप बनाए हैं तो यहाँ पर जो है कृषि विभाग के पदाधिकारी से मिलेंगे। हाँ, उसके थ्रू मिल जाएगा कृषि पदाधिकारी। हाँ, से ये समूह का नाम बताकर वो जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जी, फिर बनाना वगैरह सब भी सिखाते हैं आप लोग उस महिला से? नहीं, अभी तो नहीं सिखाए हैं, अभी नहीं सिखाए, सारा चीज देते हैं। चलिए, ये मशरूम का ये प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए फिर से। ढोकला हो, ढोकला आप गुजरात में काफ़ी फेमस, हाँ गुजराती डिश है ये ढोकला। और अब जो है सहरसा में भी जो खाद्य सुरक्षा समूह की जो महिला है वो अब मशरूम से जो है इसे तैयार करती है। गुलाब जामुन आपने मिठाई की दुकान पर आपने खाया होगा, लेकिन मशरूम के जो गुलाब जामुन है वो आपने नहीं खाया होगा। तमाम ढेर सारे चीज़ को यहाँ पर रखा गया है, दर्शाया गया है। ऐसी महिला है जो जुड़ना चाहती है, वो आप कृषि कार्यालय आइए, कृषि कार्यालय में आकर आप अधिकारी से संपर्क कीजिए, और इस जो खाद्य सुरक्षा समूह माँ वैष्णो देवी महिला खाद्य सुरक्षा समूह है
वो इनसे आप जुड़ पाएंगे और ये तैयार आप करेंगे और इसके बाद इसे मार्केट में भी बेचा जाता है। मशरूम सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हालांकि लोग मशरूम को अभी ठीक तरह से नहीं जान रहे हैं, लोग पहचान नहीं रहे हैं इससे क्या फ़ायदा होती है वो लोग जानते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं। मशरूम का जो प्रोडक्ट है वो अब बाज़ारों में भी बिकना शुरू हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण जो है माँ वैष्णो देवी महिला खाद्य सुरक्षा समूह की जो महिला है वो दे रही है। और देखिए यहाँ पर क्या, ये बुक वगैरह सब भी आप लोग यहाँ पर रखे हुए हैं क्या कुछ? अच्छा, ये आपका पर्सनल है ना, इसको जो है थोड़ा दर्शाए हैं, देखिए इसमें कितना सारा प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, देखिए मशरूम से कितना प्रोटीन है वो आपको इस किताब के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तमाम प्रोटीन से क्या फ़ायदा, क्या मशरूम से क्या फ़ायदा होता है, सेहत के लिए कितना लाभदायक है, वो तमाम चीज़ यहाँ पर आपको बुक में आपको दिखाई देगा। तो लोग जागरूक भी है और कहीं ना कहीं अगर सारी बीमारियों से इससे निजात मिलेगा, देखिए बीमारियों से भी निजात मिलेगा और ये बीमारी से निजात मिलेगा अगर आप मशरूम के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो सहरसा के कृषि कार्यालय में आपको यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है, प्रदर्शनी मेला है, उसमें ये स्टॉल लगाया गया है, जो समूह की महिला है उसके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है और इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि बढ़ावा क्यों ना दे, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है मशरूम और इससे ढेर सारा प्रोडक्ट जो है वो बनता है और अमूमन ये प्रोडक्ट जो है अब मार्केटों में भी बेचा जा रहा है।